वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डी एम एल टी स्टूडेंट्स तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदराज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है टूडेज लेक्चर ऑन हाइपर सेंसिटिविटी यानी हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर है यानी जब कोई सेंसिटिव चीज़ हाइपर हो जाए बहुत ज़्यादा उसके ऊपर है इम्यून सिस्टम के ऊपर कि इम्यून सिस्टम जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है तो वो कौन सी कौन सी कंडीशंस क्रिएट कर सकता है और इम्यून इम्यून सिस्टम के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएमएलटी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी माइक्रोबायोलॉजी में इम्यूनोलॉजी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है अब तक नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी है क्या तो इम्यून रिस्पॉन्स इज जनरली ए प्रोटेक्टिव प्रोसेस बट इट में समटाइम्स बी इंजीनियर इंजीरियस टू द होस्ट हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू ए कंडीशन इन विच इम्यून रिस्पॉन्स रिजल्ट इन एक्सेसिव रिएक्शन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज डिजीज और इवन डेथ इन देंसिटाइज होस्ट यानी इम्यून रिस्पॉन्स क्या है जनरल कंडीशन के अंदर सामान्य कंडीशन में क्या है एक प्रोटेक्टिव प्रोसेस है एक सुरक्षा करती है ह्यूमन बॉडी की बट इट में समटाइम्स यानी कई बार क्या है यह इंजीरियस हो जाती है खतरनाक हो जाती है टू द होस्ट यानी होस्ट के लिए किसी पर्सन के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू ए कंडीशन यानी हाइपर सेंसिटिविटी एक वह परिस्थिति है इन विच इम्यून रिस्पॉन्स यानी जिसके अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स यानी प्रतिरक्षा का जो प्रोसीजर है रिजल्ट इन एक्सेसिव रिएक्शन यानी जो प्रतिरक्षा का प्रोसीजर है, प्रोसीजर है इम्यून रिस्पॉन्स है वो क्या एक्सेसिव रिएक्शन के रूप में हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है लीडिंग टू टिश्यू डैमेज और इस कंडीशन के कारण क्या हो जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है डिजीज हो जाती है और इवन डेथ इन द सेंसिटाइज होस्ट और कई बार क्या है कि जो सेंसिटाइज होस्ट है यानी जिसमें हाइपर इम्यून हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन हुई है उसकी डेथ हो जाती है नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रेफर्स टू अनडिज़ायरेबल रिएक्शन यानी हाइपर सेंसिटिविटी क्या है एक अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है यानी जिसकी इच्छा नहीं होती फिर भी वो रिएक्शन होती है प्रोड्यूस बाई द नॉर्मल इम्यून सिस्टम और जो प्रोड्यूस किसके द्वारा की जाती है नॉर्मल इम्यून सिस्टम के द्वारा यानी प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा इंक्लूडिंग एलर्जिक एंड ऑटो इम्यूनिटी और जिसके अंदर क्या है या तो एलर्जिक कंडीशन होती है ऑटो इम्यूनिटी होती है दे आर यूजअली रेफर्स टू एज एन ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम यानी जिसके अंदर अपन क्या रेफर कर सकते हैं क्या मान सकते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी क्या है अपने इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन है बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया है धिज रिएक्शन में भी डैमेजिंग अनकम्फर्टेबल और ओकेजनली फ़ैटल और ये जो रिएक्शन होती है इम्यून सिस्टम की बहुत ज़्यादा या फिर हाइपर सेंसटिविटी ये क्या करती है कि या तो कोई ऑर्गन को डैमेज कर देती है या पेशेंट के अंदर अनकम्फर्टे अनकम्फर्टेबलनेस आ जाती है और ओकेजनली क्या है फैटल हो जाती है पेशेंट के अंदर यानी कई बार क्या है पेशेंट की डैथ हो जाती है तो अगर जनरल लैंग्वेज के अंदर देखें तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या है एक वह रिएक्शन है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम होस्ट का इम्यून सिस्टम पेशेंट का बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खुदी और खुद ही के ऑर्गन्स को सेल्स को क्या समझ लेता है एंटीजन समझ लेता है और उनको लाइज कर देता है किल कर देता है और ऐसी कंडीशन के कारण कई बार क्या है डेथ भी हो जाती है होस्ट की और इसी कंडीशन के ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी हो गया है क्लासीफाई किया गया है अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं नेक्स्ट देखिए क्लासिफिकेशन। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर क्लासिफाइड इनटू मेन टू टाइप्स यानी हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है उनको मेनली दो चीज़ों में क्लासिफाई किया गया है एक तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी यानी अचानक से होने वाली और एक क्या है डिलेड टाइप्स और एक क्या है काफ़ी टाइम लेके फिर रिएक्शन होती है तो दो बेसिस में डिवाइड है एक तो इमीडिएट और एक डिलेड नेक्स्ट कोम्स एंड जेल 1963 क्लासिफाई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इनटू फोर मेजर टाइप्स टाइप फर्स्ट टू फोर्थ यानी कोम्स और जेल्स दो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को मोस्टली चार पार्ट के अंदर डिवाइड किया जैसे फर्स्ट टू फोर्थ यानी टाइप फर्स्ट की हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है एनाफाइलेक्टिक होती है यानी एलर्जिक कंडीशन के कारण जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है म्यूनोग्लोबिलिन ई के कारण नेक्स्ट टाइप सेकंड जो होती है साइटोटॉक्सिक टाइप थर्ड टाइप सेकंड जो किसके कारण होती है आईजीएम के कारण नेक्स्ट टाइप थर्ड जो किसके कारण होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स के कारण यानी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिलके अगर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होती है टाइप थर्ड नेक्स्ट है टाइप फोर्थ तो डिलेड और सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी यानी फोर्थ टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो टी लिम्फोसाइट से रिलेटेड होती है और डिलेड और हाई, सेल मीडिएटेड जो हाइपर सेंसिटिविटी है उसी को माइक्रोबायोलॉजी के एग्ज़ाम पेपर में दो बार अभी तक पूछा गया है बाकी हाइपर सेंसिटिविटी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इम्यून सिस्टम के अंदर यानी जब कोई इम्यून सिस्टम किसी होस्ट का इम्यून सिस्टम ज़्यादा हाइपर हो जाता है उस कंडीशन के कारण कौन सी कौन सी कंडीशन लीड होती है तो मोस्टली हाइपर सेंसिटिविटी को दो कंडीशन में क्लासीफाई किया गया इमीडिएट और डिलेड और कुम्स और जेल ने इसको चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया यानी एनाफाइलोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक और इम्यून कॉम्प्लेक्स ये तीनों तो क्या है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है और फोर्थ कौन सी है डिलेड और सेल मीडिएटेड नेक्स्ट देखिए टाइप फर्स्ट सेकंड, थर्ड। डिपेंड ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन विद यूमोरल एंटीबॉडीज एंड आर नोन एज इमीडिएट टाइप रिएक्शन यानी टाइप फर्स्ट एनाफाइलोटॉक्सिक साइटोटॉक्सिक और इम्यून कॉम्प्लेक्स तीनों जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी एंटीजन के इंट्रैक्शन पे डिपेंड करती है आने पे डिपेंड करती है विद हीमल एंटीबॉडीज और ये रिएक्शन होती किसके साथ है यानी कोई एंटीजन के इंट्रैक्शन के साथ और ह्यूमरल एंटीबॉडीज़ के साथ यानी इम्यूनोग्लोबिलीन के साथ एंड आर नॉन एज इमीडिएट टाइप रिएक्शन और इनको क्या बोलते हैं अपन इमीडिएट टाइप रिएक्शन बोलते हैं नेक्स्ट टाइप फोर्थ रिएक्शन इज़ बाय टी लिम्फोसाइड और डिलेड जो टाइप हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो किसके द्वारा शो की जाती है टी लिम्फोसाइट के द्वारा यानी सेल्स के द्वारा रिएक्शन डेवलप इन ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी टू हावर्स और ये जो रिएक्शन होती है डिलेड टाइप की यानी टी लिफोसाइड के द्वारा वो क्या है चौबीस से बहत्तर घंटे के अंदर कंप्लीट होती है यानी हाइपर सेंसिटिविटी की रिएक्शन शो होती है और इसको क्या बोलते हैं अपन डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्या एंटीबॉडीज़ पे डिपेंड है एंटीजन के इंट्रेक्शन पे और जो टाइप फोर्थ है वो टी इम्फोसाइड के द्वारा शो की जाती है जो आपने कल के लेक्चर में भी पढ़ी थी कि टी इंफोसाइड क्या है डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करती है तो नेक्स्ट देखिए टाइप फर्स्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन तो टाइप फर्स्ट रिएक्शन आकर इन टू फॉर्म्स यानी टाइप फर्स्ट की जो रिएक्शन होती है ना फाइलेक्टिक रिएक्शन वो दो फॉर्म्स के अंदर होती है एक तो क्या होती है एक्यूट पोटेंशियल फैटल यानी एक तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अचानक से डेथ हो जाती है सिस्टमिक फॉरम कार्ल्ड एनाफाइलेक्सिस और अगर इसको सिस्टमिक फॉरम के अकॉर्डिंग देखें तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं एक्यूट पोटेंशियल फैट फैटल को एनाफाइलेक्सिस एंड द रिकरेंट नॉन फैटल लोकेलाइज फॉरम कार्ल्ड कॉल्ड एटोपी और जो दूसरी रिएक्शन होती है रिकरेंट यानी जो दोबारा रिएक्शन होती है नॉन फैटल यानी जिसमें डेथ नहीं होती पेशेंट की जो लोकेलाइज एक रिएक्शन होती है किसी प्लेस पे यानी किसी ऑर्गन में स्पेसिफिक जिसको क्या बोलते हैं अपन एटोपी बोलते हैं तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है एक तो एक्यूट पोटेंशियल फैटल जिसको एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं दूसरा है है यानी जिसमें जिसमें पेशेंट पेशेंट की की डेथ 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 नहीं नहीं होती होती का मतलब तो उसको क्या बोलते हैं एटोपी बोलते हैं नेक्स्ट देखिए यानी मैकेजमेक्सिसनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है तो एनाफाइलेक्सिस अकर वेटाइज इंडिविजुअल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद शोकिंग डोज ऑफ एंटीजन यानी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कब होती है जब कोई सेंसीटाइज पर्सन यानी किसी एंटीजन के लिए सेंसीटाइज वो पहले पहले ही उसका इम्यून सिस्टम हाइपर है उसके लिए और उस एंटीजन की soaking डोज यानी काफ़ी बड़ी मात्रा उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए नेक्स्ट एन interval ऑफ टू टू थ्री वीक्स इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन sensitizing एंड soaking डोज़ यानी क्या है कम से कम दो तीन सप्ताह का इंटरवेल होना चाहिए गैप होना चाहिए पेशेंट के सेंसीटाइज़ होने के अंदर यानी पहले अगर वही एंटीजन कॉन्टैक्ट में आया दो तीन सप्ते पहले तो पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम वो क्या हो गया सेंसिटाइज हो गया एक्टिवेट हो गया उसके लिए एंड सोकिंग डोज और अगर वापस वही एंटीजन आया ड्यूरिंग विच एंटीबॉडी जिसके अंदर क्या है सेंसिटाइजिंग में क्या होता है कि जब ड्यूरिंग विच यानी जिसमें एंटीबॉडी जो है इम्यूनोग्लोब्लिन ई प्रीवियसली नॉन एज रेजेनिक एंटीबॉडी जिसको अपन पहले से क्या जानते हैं रेजेनिक एंटीबॉडी के नाम से जानते हैं यानी एलर्जिक एंटीबॉडी के नाम से प्रोड्यूस अगेंस्ट द एंटीजन जो एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाती है सेंसिटाइज होता है जब होस्ट दो तीन सप्ताह पहले अटैच टू सरफेस रिसेप्टर और रिसेप्टर की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है जो एंटीजन जिसमें रिसीव होता है ऑफ मार्स्ट सेल एंड बेजोफिल जो रिसेप्टर की सरफेस होती है उस पर जो मास्ट सेल होती है बेजोफिल होती है उनके ऊपर सेंसिटाइज हो जाती है यानी अटैच हो जाती है और जैसे ही दोबारा उस एंटीजन की शोकिंग डोज कॉन्टैक्ट में आती है वो अपना काम करना शुरू कर देती है तो एनाफाइलेक्सिस की मैकेनिज्म क्या होती है कि जब कोई शोकिंग डोज एंटीजन की कॉन्टैक्ट में आती है सेंसीटाइज होस्ट में तो क्या है उसकी डेथ हो जाती है अचानक से और इसके लिए क्या है कि सेंसिटाइज होने के अंदर यानी पेशेंट का सेंसिटाइज होना ज़रूरी है दो तीन सप्ताह पहले नेक्स्ट वेहन ए सोकिंग डोज ऑफ द सेम एंटीजन और इम्यूनोग्लोबिलीन रिलेटेड अगेन एंटीजन इज गिवन द एंटीजन कंबाइंड विद सेल बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई एंटीबॉडी और मास्ट सेल डोज, यानी जब क्या है सोकिंग डोज पहले से जिस परसेंट पहले जो एंटीजन आया था ह्यूमन बॉडी में वही एंटीजन दोबारा सोकिंग डोज के अंदर कॉन्टैक्ट में आता है सेम इम्यूनोग्लोबिल रिलेटेड एंटीजन इज गिवन द एंटीजन और वही रिलेटेड एंटीजन फिर क्या है कंबाइन हो जाता है किसके साथ सेल बाउंड इम्यूनोग्लोब्लिन ई के साथ यानी सेल बाउंड एंटीबॉडी ई के साथ एंटीबॉडी ऑन मास्ट सेल और जो कि इसके ऊपर प्रजेंट रहती है एंटीबॉडी मास्ट सेल पे प्रजेंट है जो पहले क्या है सेंसिटाइज हुआ था जब होस्ट उस एंटीजन से उस टाइम पे बनी थी और ये रिएक्शन क्या होती है रैपिडली यानी जैसे ही सोकिंग डोज कॉन्टैक्ट में आती है दोबारा पेशेंट के तो वो क्या है रैपिडली इस रिएक्शन के साथ इस एंटीजन के साथ वो रैपिडली रिएक्शन कर जाती है नेक्स्ट द एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टीमुलेट मास्ट सेल और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है यानी आई जी ई एंटीबॉडी और जो एंटीजन आया था जिसने पेशेंट को सेंसीटाइज किया है वो दोनों क्या है किसको स्ट्यूमुलेट करते हुए प्रेरित करते हैं मास्ट सेल को एंड बेजोफिल को टू रिलीज मीडिएटर मीडिएटर्स को रिलीज करने के लिए दैट कॉज क्लिनिकल मेस्टिफेशन मैनिफेस्टेशन ऑफ एनाफाइलेक्सिस और ये जो क्लिनिकल मीडिएटर रिलीज होते हैं केमिकल मीडिएटर ये क्या करते हैं एनाफाइलेक्स इस रिएक्शन की मैनिफेस्टेशन करते हैं यानी यही स्टूमुलेट करते हैं नीचे रिएक्शन देख रहे हो आप कि एक मास्ट सेल है जिसके ऊपर क्या अटैच होगी इम्यूनोग्लोब्लिन ई अटैच हो गई एंटीबॉडी यानी जब क्या है पहली बार कोई सेंसीटाइज पर्सन के एंटीजन कॉन्टैक्ट में आया तो सेंसिटाइजेशन हो गया और दोबारा वो एंटीजन कॉन्टैक्ट में आया मास्ट सेल के तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस पे अटैच था मास्ट सेल पे अटैच हो गया और जिससे क्या जिस जिसने क्या किया मास्ट सेल को स्टूमुलेट करना शुरू कर दिया उत्प्रेरित करना और जिससे मार्स्ट सेल ने क्या रिलीज किया मीडिएटर यानी केमिकल मीडिएटर और ये केमिकल मीडियेटर ही क्या लीड करते हैं क्या बनाते हैं एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कैसे होती है कि सबसे पहले तो एक पेशेंट के अंदर कोई एंटीजन आता है उस एंटीजन के कारण पेशेंट के अंदर इम्यूनोग्लोबिल एंटीबॉडी बन जाती है उसके खिलाफ जो मास्ट सेल पे अटैच हो जाती है और होस्ट क्या हो जाता है सेंसिटाइज हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है उस एंटीजन के लिए होस्ट का इम्यून सिस्टम और दोबारा जैसे ही उसी एंटीजन की सिमिलर सेम इम्यूनोग्लोब्लिन की जब ह्यूमन बॉडी में एंट्री होती है शोकिंग डोज के रूप में तो क्या है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है और जो क्या है मास्ट सेल के ऊपर क्या है एक्टिवेट होकर दोनों कॉम्प्लेक्स बन के एंटीजन एंटीबॉडी मास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं जिससे मास्ट सेल क्या रिलीज करती है केमिकल मीडिएटर और ये जो केमिकल मीडिएटर हैं वही क्या लीड करते हैं वही एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कोज करते हैं वही क्या फैटल की कंडीशन लीड करते हैं है? है? है पेशेंट के अंदर नेक्स्ट देखिए केमिकल मीडिएटर क्या होते हैं तो द केमिकल मीडिएटर आर ऑफ टू टाइप्स यानी केमिकल मीडिएटर्स क्या हैं दो प्रकार के होते हैं ना फाइल रिएक्शन में सबसे पहले क्या है प्राइमरी मीडिएटर यानी सबसे पहले मुख्य मीडिएटर होते हैं विच आर द फॉर्म्ड कंटेंट्स जो क्या है पहले से बने हुए प्री फॉर्म्ड कॉन्टेक्ट कॉन्टेंट होते हैं यानी जो पहले से बने हुए होते हैं किसमें मास्ट सेल और बेजोफिल में मास्ट सेल एंड बेजोफिल ग्रेन्यूल्स यानी बेजोफिल के ग्रेन्यूल्स में एंड द सेकेंडरी मीडिएटर और जो दूसरे टाइप के मीडिएटर होते हैं विच आर न्यूली फॉर्म्ड और जो क्या है नए बनते हैं किस टाइम पे अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ मास्ट सेल यानी जब एंटीजन एंटीबॉडी मास्ट सेल को स्टिमुलेट करते हैं उस टाइम पे क्या है सेकेंडरी मीडिएटर बनते हैं बेजोफिल के अंदर एंड अदर ल्यूकोसाइट्स के अंदर तो प्राइमरी मीडिएटर क्या है सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले क्या है इस्टामिन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन एनाफाइलेक्सिस यानी सबसे मोस्ट मुख्यतः इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में इट कोज वैसोडिलेशन ये क्या कोज करता है तो वैसोडिलेशन कोज करता है यानी जो ह्यूमन की ब्लड वेसल्स होती है उनका जो शेप होती है उसको चेंज कर देता है इंक्रीज कैपेबलिरीज कैपेलरीज परमिएबिलिटी और जो कैपेलरीज होती हैं स्मॉल ब्लड वेसल होती है उनकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्मूथ मसल्स और स्मूथ मसल्स के अंदर क्या करना शुरू कर देता है कॉन्ट्रैक्शन जैसे हार्ट मसल्स के अंदर तो हार्ट के मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं करेगा जिसके कारण क्या हो सकती है पेशेंट की डेथ हो सकती है तो केमिकल मीडिएटर क्या होते हैं मास्ट सेल से क्या रिलीज होते हैं दो प्रकार के मीडिएटर होते हैं एक तो प्राइमरी मीडिएटर जो प्री फॉर्म्ड होते हैं पहले से बने हुए होते हैं और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मीडिएटर जो कब बनते हैं कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इमस्ट सेल को बेज़ोफिल को स्टमुलेट करता है उत्प्रेरित करता है उस टाइम पे बनते हैं प्राइमरी मीडिएटर के अंदर सबसे मुख्यतः क्या है स्टामिन जो बेज़ोफिल से रिलीज़ होता है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ह्यूमन एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में जो वासोडिलेशन करता है यानी जो ब्लड वेसल्स है उनकी परमिएबिलिटी को इनक्रीज कर देता है और स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो मीडिएटर है इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टामिन क्या है सीरोटोनिन क्या है और आपके प्रैक्टिकल के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन के अंदर प्राइमरी मीडिएटर कौन से होते हैं और सेकेंडरी मीडिएटर कौन से होते हैं तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी मीडिएटर डिस्कस कर रहे हैं और शॉर्ट के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन क्या होती है उसकी मैकेनिज्म क्या होती है नेक्स्ट देखिए सीरोटोनिन तो इट कॉज वैसो कॉन्ट्रैक्शन ये क्या कोज करता है वैसो कॉन्ट्रैक्शन कोज करता है स्टामिन तो क्या है उनकी शेप को बढ़ाता है इंक्रीज करता है और वैसो कॉन्ट्रैक्शन सीरोटोनिन क्या करता है उनको संकुचित करता है इंक्रीज परमिएबिलिटी और क्या जो कैपिलरीज होती है उनकी परमिएबिलिटी को पारगम्यता को बढ़ा देता है एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन और ये भी क्या कॉज करता है स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है सीरोटोनिन के अलावा नेक्स्ट फैक्टर क्या होता है रिलीज होता है प्राइमरी फैक्टर तो ईसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस यानी ईसिनोफिल केमोटेक्टिक फैक्टर भी रिलीज होता है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन में जिसको शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं अपन ई e बोलते हैं नेक्स्ट दीज आर रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल ग्रेन्यूल्स और ये कहाँ से रिलीज होता है मास्ट सेल के ग्रेन्यूल से रिलीज होता है एंड आर स्ट्रॉगली कीमोटेक्टिक फॉर ईओसिनोफिल्स और ये मुख्यतः कीमोटेक्टिक होता है बहुत ज़्यादा किस चीज़ के लिए ईओसिनोफिल्स के लिए नेक्स्ट है सेकेंड्री मीडिएटर सेकेंडरी मीडिएटर में सबसे पहले क्या है स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस यानी जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट नाम या शॉर्ट नेम याद होना चाहिए अगर एग्जाम के अंदर आए एस आर एस ए बोलते हैं अपन यानी स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस दीज आर मच मोरपोर्टेंट यानी ये क्या है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है किस चीज़ के लिए ब्रोंकेटियोर ब्रोंकोस्ट्रिक्टर के लिए यानी जो ब्रोंक्योल्स प्रजेंट होती है लंग्स के लिए अंदर उनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन कर देता है ये देन हिस्टामिन इस्टिन के कंपेरिजन में दे कोज सस्टेन्ड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्मूथ मसल और यह क्या है स्मूथ मसल्स के अंदर सस्टेन कॉन्ट्रेक्शन भी कोज करते हैं यानी स्मूथ मसल्स के अंदर भी प्रॉब्लम करते हैं तो प्राइमरी मीडिएटर तो क्या हो गए एक तो हिस्टामिन दूसरा सीरोटोनिन, तीसरा क्या है ई सी एफ ए और सेकेंडरी मीडिएटर क्या है सबसे पहले एस आर एस स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफिलेक्सिस। नेक्स्ट क्या है सेकेंड सेकेंडरी मीडिएटर के अंदर और क्या है तो एंड थ्रोम्बोक्सिन तो दे आर ब्रोंकियो ब्रोंकोस्ट्रिक्टर्स ये भी क्या है ब्रोंकोस्ट्रिक्टर्स होते हैं यानी ब्लड वेसल्स के वाइरेशन मैकेनिज्म में प्रॉब्लम करते हैं नेक्स्ट है प्लेटलेटिंग एक्टिवेटिंग फैक्टर और क्या होता है सेकेंडरी मीडिएटर्स uh, के अंदर पी ए एफ़ यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर तो इट कॉज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट यानी ये क्या कॉज करता है प्लेटलेट्स को इकट्ठा करता है एग्रीगेशन करता है एंड रिलीज़ ऑफ देयर एक्टिव एमीन्स और प्लेटलेट के अंदर से क्या रिलीज करता है ये एक्टिव एमिनस को रिलीज करता है नेक्स्ट द सिम्टम्स आर एनाफाइलेक्सिस यानी एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के सिम्टम्स क्या क्या हैं तो सबसे पहले क्या है लेबोर्ड ब्रीथिंग है ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर लेबोर्ड ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है क्योंकि अगर ब्रोंकिटर्स रिलीज़ होंगे ब्रोंकोस्ट्रिक्टर्स तो ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी क्योंकि एलवियोलर्स के अंदर क्या होंगे ब्रोंकियोल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेबोर्ट ब्रीथिंग यानी ब्रीथिंग के अंदर प्रॉब्लम होगी जिससे पेशेंट की क्या होगी डेथ हो जाएगी नेक्स्ट ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर यानी स्मूथ मसल्स यानी हार्ट के अंदर अगर प्रॉब्लम होगी तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा ड्रॉप हो जाएगा जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रोंकियोलाई कॉन्ट्रैक्शन ब्रोंकियोल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और क्या होता है सफोकेशन यानी घुटन महसूस होती है पेशेंट को और अचानक से उसके अंदर क्या आ जाता है स्ट्रोक आ जाता है एनाफाइलिस रिएक्शन में इन सभी कंडीशंस के कारण जिसके कारण पेशेंट की क्या हो जाती है एक्यूट पोटेंशियल फैटल हो जाती है यानी अचानक से उसकी डेथ हो जाती है और इसी को अपन क्या बोलते हैं एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन बोलते हैं तो सेकेंडरी मीडिएटर कौन से कौन से हो गए आपके एक तो एस यानी स्लो रिड्यूसिंग सबस्टांस नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लेडिंग और नेक्स्ट क्या है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर तो सेकेंडरी जो फैक्टर होते हैं वो किसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर नेक्स्ट आपकी लास्ट रिएक्शन है जो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का सेकेंड टाइप है जो क्या होता है एटोपी तो शॉर्ट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एटोपी क्या है नेक्स्ट देखिए इट इज टाइपिफाइड बाई हे फीवर एंड अस्थमा यानी ये कैसी रिएक्शन है ये हे फीवर के कारण बुखार के कारण या फिर अस्थमा जैसी कंडीशन है एलर्जिक रिएक्शन है द एंटीजन कॉमनली इन्वॉल्व विन द एटोपी आर पोल हाउस डस्ट एंड फूड्स और एंटीजन क्या होते हैं एटोपी के अंदर कौन से इन्वॉल्व होते हैं तो पोल्स यानी सरसों सरसों वग, वगैरह के मस्टर्ड कस्टर्ड वगैरह के जो पोलन ग्रेन्यूल्स होते हैं वो उनके फूल फ्लावर या फिर हाउस डस्ट यानी धूल मिट्टी के कारण और फूड यानी कईयों को फूड से एलर्जी होती है अलग अलग टाइप के दीज एटोपन्स इंड्यूस आई जी ई एंटीबॉडी और ये जो अलग अलग टाइप के एंटीजन होते हैं एटोपन्स होते हैं वो क्या है इम्यूनोग्लोबिल एंटीबॉडी ई को इंड्यूस करते हैं स्टमुलेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं मैकेनिज्म क्या है एटोपी की तो द एटोपन्स कंबाइन विद द सेल बाउंड इमिनोग्लोब्लिन ई एंटीबॉडी यानी जो एटोपन्स होते हैं एंटीजन होते हैं वो जो सेल के ऊपर प्रजेंट इम्यूनोग्लोब्लिन ई है उसके साथ कंबाइंड हो जाते हैं बाइंड अप हो जाते हैं एंटीबॉडी फिक्स ऑन द सरफेस, यानी जो मास्ट सेल की सरफेस पे फिक्स एंटीबॉडी है उसके साथ बाइंड अप हो जाते हैं एंड द बेजोफिल बेजोफिल के साथ एंड दिस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और ये जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है वो स्ट्यूमुलेट करता है किसको इन सेल्स को कौन सी को मास्ट सेल और बेजोफिल को दिज सेल टू रिलीज द मीडिएटर और ये सेल क्या है मीडिएटर रिलीज़ करती हैं अलग टाइप के और जिसके रिजल्टिंग के अंदर क्या कंडीशन हो जाती है क्या है जो एटोपी के क्लिनिकल फीचर्स शो करती है यानी क्या एटोपी के साइन एंड सिम्टम शो करती है एटोपी की रिएक्शन शो करती है तो एटोपी क्या है कि एक एलर्जिक रिएक्शन है एक तरीके से यानी जिसके अंदर क्या है हे फीवर हो जाता है बुखार हो जाता है या फिर अस्थमा यानी रेस्पायरेशन के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर एंटीजन कौन से कौन से होते हैं तो पोलेंस होते हैं हाउसडेस्ट होती है और फूड होता है और ये एटोपन्स क्या करते हैं कि ये इम्यूनोग्लोब्लिन ई जो एंटीबॉडी है उसको स्ट्यूमुलेट कर देते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं मैकेनिज्म क्या है कि सबसे पहले एटोपन्स कंबाइंड हो जाते हैं इमिनोग्लोब्लिन ई के साथ जो कौन सी सेल के सरफेस पे प्रजेंट है जो सेल के ऊपर मास्ट सेल के साथ या बेजोफिल के साथ अटैच हो जाते हैं और ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बनता है इमिनोग्लोबिल ई और पोलन्स का ये क्या है कि किस को स्टमुलेट करता है मास्ट सेल को या बेजोफिल को और फिर क्या है मेस्ट सेल और बेजोफिल जो है वो क्या रिलीज करती हैं केमिकल मीडिएटर रिलीज करती हैं और ये जो मीडिएटर होते हैं वो क्या है क्लिनिकल फीचर शो करते हैं एटोपी के यानी साइन एंड सिम्टम्स शो करते हैं एटोपी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के और एटोपी जो है वो किसका पार्ट है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का पार्ट है सेकेंड जिसके अंदर फैटल नहीं होती नॉन फैटल जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है इसके तो फूड एलर्जी अगर अपन देखें तो जैसे किसी को एग से एलर्जी होती है मशरूम से एलर्जी होती है किसी को व्हीट वीट से एलर्जी होती है और डस्ट एलर्जी का अगर एग्ज़ाम्पल देखें जैसे पोलन से किसी को यानी सरसों के फ्लावर वगैरह से किसी को हाउस डस्ट से तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है जैसे किसी को कस्टर्ड से होती है तो नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा कंटिन्यू रहेगा किसके ऊपर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के ऊपर यानी सेकेंड टाइप की साइटोटॉक्सिक और थर्ड टाइप की इम्यून कॉम्प्लेक्स और फोर्थ टाइप की डिलेर टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और बता रहा हूँ आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइपर सेंसिटिविटी तो इसलिए अच्छे से समझें और डिस्कस करें थैंक्स टू ऑल